हेलो गाइस, रिमोट टेक में आपका स्वागत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। आज की टॉपिक है मोबाइल हैंग क्यों होने लगता है, हैंग होने की वजह और मोबाइल हीट क्यों होता है, गर्म हो जाता है अचानक, थोड़ी देर चलाने के बाद गर्म होने लगता है और प्रोसेसर स्लो होने लगता है। इन सब का कारण दोस्तों मोबाइल में अनचाहे ऐप्स और मोबाइल की कुछ अन्य सेटिंग, उसमें जाके देखते हैं दोस्तों और हम आपको बताते हैं क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका मोबाइल हैंग होने से बच जाए। चलिए चलते हैं सेटिंग में। सबसे मुख्य बातें हैं सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस केयर में जाके अपना बैटरी का जो ऑप्शन है दोस्तों, बैटरी वाले में जाके इसको पावर मोड में हैं, पावर मोड में जाएंगे। हर किसी के मोबाइल में ऑप्टिमाइज़ेशन सबसे पहला वाला रहता है, इसको मीडियम पावर मोड पावर सेविंग में कर सकते हैं जो मेरा है। इसके बाद स्टोरेज में जाके क्लीन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो कॉमन चीज़ है। एप्स में जाएंगे दोस्तों, जो अनचाहे एप्स हैं उसको इंस्टॉल कर दें और जिससे हमारा काम नहीं होता उसको आप फोर्स स्टॉप करने से दोस्तों प्रोसेस जो लिमिट बैकग्राउंड होता है डाटा प्रोसेस का रुक जाएगा, जो भी है उसको स्टॉप कर दें दोस्तों। इसे उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट ऑटो डाउनलोड ओवर रहता है दोस्तों, सबका ऑन रहता है, इसको ऑफ कर दें जिससे ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा, आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट मोड में नहीं जाएगा। उसके बाद है अबाउट फोन, इसमें जाएंगे अबाउट फोन में। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, फिर बिल्ड नंबर को 7 बार ओपन दबाएंगे। 7 बार दबाने के बाद डेवलपर का ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। अभी देखिए अभी कुछ डेवलपर का ऑप्शन नहीं है, अबाउट फोन के नीचे डेवलपर का ऑप्शन खुल जाएगा, इसको ओपन करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, बिल्ड नंबर को 7 बार ओपन करेंगे, दबाएंगे। बैक जाएंगे, बार बैक, देखो दोस्तों डेवलपर का ऑप्शन खुल गया, इसको ओपन करेंगे। ये मुख्य सेटिंग दोस्तों, इसमें आपको सेटिंग को अपनाना होगा। ऑटो अपडेट सिस्टम, ये दोस्तों अधिकतर ऑन रहता है, इसी को आपको ऑफ करना चाहिए, मेरा ऑफ था। ये मुख्य सेटिंग था ऑटो अपडेट में,
हमारे बिना परमिशन का अपडेट होता रहता है, जिससे हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक प्रोसेस में चल जाता है और ऑटोमेटिक डाउनलोड होते रहता है अनजाने ऐप्स मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से हैंग होता है और मोबाइल का प्रोसेसर स्लो होने लगता है। चलिए बैक चलते हैं दोस्तों। और एक सेटिंग है दोस्तों जिसकी वजह से आपका मोबाइल स्लो होता है। चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं, उसके बाद आपके प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जनरल में जाएंगे दोस्तों। जनरल में जाने के बाद ऑटो अपडेट्स ऐप्स, जितने भी आपके ऐप्स हैं दोस्तों ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगता है, अपडेट्स होने लगता है। इसको रोकने के लिए इसका मुख्य भूमिका निभाता है ऐप्स, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल ऑटो डाउनलोड में होता है, इसलिए नुकसान पहुंचाता है मोबाइल को और डाउनलोड होने लगता है। इसलिए डोंट ऑटो अपडेट्स में रखना चाहिए। इसको डन कर देते हैं। यही है सेटिंग दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं, उसके बाद आपका मोबाइल कभी ज़िंदगी में हैंग नहीं मारेगा। इसको मोबाइल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए दोस्तों, अनचाहे ऐप्स को डिसेबल करके रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।